मनरेगा में हुआ बड़ा घोटाला, हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, झारखंड में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गई है। यहां कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को काम देना था, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने कागज पर सड़क बनवा दी है। गड्ढे को कुआं बताकर मजदूरों के अधिकार का पैसा निकाल लिया है। मनरेगा झारखंड समन्वयक जेम्स हेरेंस का दावा है और उनके दावे पर भी पड़ताल की गई है। तो हर 20 मीटर की दूरी पर मनरेगा योजना के काम में हेराफेरी देखी गई है। गांव में हर 20 मीटर की दूरी पर कुएं का निर्माण हुआ है। बड़े तालाब या जलाशय के बगल में डोभा बना दिया गया है। कोरोना काल में बिचौलियों ने आपदा को अवसर में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही पतरा खुर्द है जहां योजनाओं में 10 लाख रुपए की हेराफेरी पकड़ी गई। पलामू DDC मेघा भारद्वाज ने BDO मुखिया समेत मनरेगा कर्मियों से 12% सूद समेत 12 लाख रुपए वसूली का निर्देश दिया है। तत्कालीन BDO जय बिरस लकड़ा ने 13 लोगों पर केस दर्ज कराया था। इनमें पथरा की मुखिया ललिता देवी गिरफ्तार हुई थी। भ्रष्टाचार के मामले में 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हुसैनाबाद पुलिस ने सिर्फ मुखिया ललिता देवी को ही गिरफ्तार करने में अपनी तत्परता दिखाई है। बचे हुए लोगों को जमानत लेने की छूट दे दी गई है। इसमें भी केवल 4 ने जमानत ली है। मुखिया जेल से जमानत पर छूटी, इसके बाद भी 8 आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ सकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।